चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। इसमें आप लोगों को बहुत कुछ जानने को रहेगा। आपने अभी भी सुनते रहते हैं हम लोग आजादी के। आप सोचिए कि हम लोग 74 साल, 74वीं आजादी की साल मना चुके हैं 15 अगस्त को, फिर भी आज आप लोग देखते रहते हैं कि जाति भाव, जाति में व्याप्त जो समस्याएं हैं अभी भी देखने को मिलती रहती हैं। कहीं आप सुनते रहते हैं कि दलित को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया, कहीं आप सुनते रहते हैं कि किसी पर्टिकुलर जाति के शव यानी कि मरे हुए व्यक्ति को जलाने की शमशान में मतलब इजाजत नहीं दी गई, वहां से खदेड़ दिया गया। इस तरह की समस्याएं आप लोग अभी भी देख रहे हैं समाज में। आप समझ रहे हैं, अभी मैं एक दिन जापान के प्रधानमंत्री साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था जो वहां के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे देश का बढ़ने का कारण, मेरे देश का एक विकसित देश होने का कारण जाति व्यवस्था ना होना है। उनका मतलब यह है कि समाज उनके यहाँ बटा हुआ नहीं है, समाज एक दिशा में चलता है। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि हर तरह की जातियां, हर तरह के मतलब भेदभाव, एक दूसरे से नफरत करने वाली भावनाएं पैदा बनी हुई हैं। आज आप लोग सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, एक जाति को गाली दी जा रही है दूसरी अपनी जाति को उठाने के लिए। अशोक ने, आपने सुना होगा कि अशोक के समय एक बात हुई थी, अशोक मौर्य वंश का राजा था, उसके बारे में हम लोगों ने बायोग्राफी भी कवर की हुई है, अच्छे से जाना है उसके बारे में। उसने क्या कहा था कि अगर हम दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हैं तो वास्तव में हम अपने धर्म को गिरा रहे होते हैं, अपनी धर्म की मान्यता को गिरा रहे होते हैं। आज आप भी जानते हैं कि अगर आप किसी सामने वाले को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, हाथ जोड़ के अगर राम राम करते हैं तो सामने वाला भी आपको इज्जत देता है। समझ रहे हैं, आपने देखा होगा। ए तो इससे आप लोगों को अगर लगता है कि किसी के धर्म को आप नीचा दिखा के आप अपने धर्म को ऊपर उठा रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए नेताओं की बात अलग होती है, नेताओं का सिर्फ रोटी सेंकना है आपके धर्म को लेकर, आपके धर्म से कोई मतलब नहीं है नेताओं को। आप मरिए चाहे जिए, आप कई लोगों को बता सकता हूं मैं, बड़ी जातियों में भी कई लोग ऐसे गरीब से भूख से मर रहे हैं, और नीचे जातियों में भी देख सकता हूं। नेताओं के लिए कोई धर्म नहीं है, उनकी अलग बात छोड़िए, हम समाज के हिस्सा है, हम लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में। तो हाल में ही आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जाति प्रथा से ग्रस्त कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। परस्पर श्रेष्ठता की भावना समाज में जाति की बात को जन्म देती है। भारतीय संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और पंथ निरपेक्षता जैसे आदर्शों को प्रदान किया है, परंतु भारतीय समाज प्राचीन है जो जाति पर आधारित है तथा धर्म का यहाँ में महत्व प्रमुख है। आप लोग देखते रहते हैं कि हम अपनी जाति को ऊपर उठा के नीचे दूसरे की जाति को दिखाते रहते हैं, इस तरह की आप देखते हैं कि सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि फेसबुक पर इस तरह की भावनाएं मतलब इस तरह के कोड कुछ ज्यादा ही आप वायरल होते हैं। आप लोग देखिए कि ये हम बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़े भी हम लोग शेयर बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ा देते हैं उसे, सच हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, और हम इसीलिए पिछड़े हुए हैं। आज किसी ने वो राफेल विमान आए हुए थे फ्रांस से, तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर काफी खुशी मनाई जा रही थी। देखिए खुशी हमें उस दिन होगी सबसे ज्यादा जिस दिन हमारे देश में इस तरह के राफेल और इससे तगड़े राफेल बनाए जा रहे होंगे, इससे तगड़े से आप समझिए शक्तिशाली वाले आपके यहाँ लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं, उस दिन हम खुशियां मनाएंगे। अभी तो आप सोचिए कि फ्रांस ने हम लोगों को मैच दिए, पाकिस्तान के पास पैसा होगा पाकिस्तान भी खरीद सकता है, चीन के पास होगा पैसा चीन भी खरीद सकता है। अगर ऐसा होता कि 4-5 विमान खरीदने से लेने से अगर आपकी शक्ति बढ़ जाती तो आप सोचिए कि फ्रांस से तो आज पूरी दुनिया लड़ रही होती, डर रही होती, क्योंकि फ्रांस तो मतलब खुद बना रहा है, तो ऐसा नहीं है ना। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि मतलब देखिए हमारे यहाँ समाज से हमें ऊपर उठ के योगदान देना होगा, हो सकता है तभी हमारा देश विकसित देशों की सूची में जा खड़ा होगा। जापान को आप लोग देखते हैं कि 2 बार परमाणु बम का हमला झेलने के बाद 1945 में आपने देखा कि अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, फिर भी वो जाकर विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ है। सबसे बड़ा यही कारण है कि वहां इस तरह की कोई भेदभाव नहीं है, वहां पढ़ा लिखा समाज है, और पढ़ा लिखा समाज जहां होगा आप सोचिए वहां मतलब मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए आप लोग, हकीकत है दिल्ली पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो आपने देखा है कि जिसने काम किया, जिसने उनका ध्यान रखा उसी को वोट दिया, उसी को जिताया, उसी को सीएम बनाया। आपने बाकी देखा है कि वहां पूरा मतलब आप सोचिए कि एक जिसकी केंद्र सरकार में केंद्र में हो सरकार,
12-15 स्टेट के सीएम प्रचार के लिए, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सभी प्रचार के लिए लगे हुए थे, फिर भी कुछ नहीं उखड़ा। तो पढ़े लिखे वहां के लोग थे, जागरूक थे, इसलिए उन्होंने उस पार्टी को वोट देना पसंद किया जो उनका ख्याल रख रही थी, किसी जात पात से मतलब नहीं था। भारतीय संविधान में पश्चात लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश किया गया है, जिसमें व्यक्ति को मूल इकाई माना गया है। जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति, मूल वंश एवं जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध किया गया है। परंतु भारतीय समाज अत्यंत परंपरागत है, व्यक्ति के स्थान पर समुदाय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यही स्थिति भारत में जातिवाद, संप्रदायवाद जैसी समस्याओं का कारण बनती है। एक बात आपको बताऊं, देखिए मैं ज्यादा तो मुस्लिमों के बारे में नहीं जानता हूँ, मुस्लिम ग्रंथों के बारे में मैं कोई ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, हमारे हिंदू हिंदू में हिंदुओं में जो भी हमारे भगवान है, उन्होंने किसी से भेदभाव करने की बात नहीं की। हो सकता है कि आज हम लोग भेदभाव कर रहे हैं, जी नीचा ऊंचा उठाने की बात कर रहा हूँ, किसी को गिराने की, किसी को गाली देने की। मुझे नहीं लगता है कि धरती पर रह के हम शायद कुछ बड़प्पन पा लें, लेकिन भगवान के सामने शायद हम इन गलतियों के माफी नहीं मिलेगी हमें। अगर हम भगवान सही में हैं तो वो हमें सजा देंगे इन गलतियों की। और मुस्लिम धर्मों के ग्रंथों की बात करें तो वो भी किसी धर्म को नीचा दिखाने की बात नहीं करते, किसी को मार काटने की बात नहीं करते हैं। वो तो क्या है कि हम धर्म का सहारा लेकर इस तरह के काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? वरना आप राम के चरित्र को देख सकते हैं, राम कभी मतलब एक राम भगवान किसने बनाया उन्हें? हम लोगों ने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी कि पुरुषों में सबसे महान मर्यादा पुरुषोत्तम। तो याद रखिए, धर्म, मुझे नहीं लगता है कि कोई धर्म किसी से लड़ने की बात करता हो या किसी को मारकाट की बात करता हो। तो कभी अपने जो भी भगवान को मानते हैं, अगर हम श्री राम को मानते हैं, तो हमें कम से कम उनकी विचारधारा के बारे में जानना तो चाहिए, सोचना चाहिए कि शायद हम लोग यहाँ झूठ बोल लें, एक दूसरे से झूठ बोल कर ऐसा कर लें, वैसा कर लें। क्या हम लोगों अगर नरक स्वर्ग में बात भरोसा करते हैं, तो क्या वहां जाने के बाद हमें माफी मिलेगी? मुझे नहीं लगता है कि आपके आचरण से माफी मिलेगी आपको। ठीक है, आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोग कर सकते हैं जो भी आपके मन में आए। वर्तमान भारत में जाति व्यवस्था, 1947 के उपरांत स्वतंत्रता बढ़ता हुआ नगरीकरण, उद्योगीकरण, शिक्षा का विस्तार, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने जाति व्यवस्था को प्रभावित किया। इन प्रक्रियाओं के उपरांत जाति व्यवस्था हेतु निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को भगवान को नहीं मानना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी को गाली दे रहे हैं और किसी से झूठ बोल रहे हैं, किसी को आप फरेब मतलब फरेबी उसके साथ इस तरह के नाटक कर रहे हैं, तो आपको भगवान को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान हर जगह है, भगवान सब कुछ देख रहे होंगे। और अगर वो देख रहे हैं तो आप झूठ किससे बोल रहे हैं, खुद से या सामने वाले से? क्योंकि भगवान के सामने तो सब कुछ है ना। अभी कुछ ही दिन पहले एक छोटा सा बच्चा, वही वही 3 से 4 साल, बोलना ही सीखा होगा शायद, उसने मुझे मतलब मैंने ऐसे ही बात करते हुए पूछा उसकी स्कूल लाइफ के बारे में, तो उसने बताया कि वो मेरी मैडम ने 3 बच्चियों को चुना। उसने बोला उन्होंने बोला कि वो आपको तीन पक्षी दिए जाते हैं, इसमें पक्षी में चिड़िया, कोई भी चिड़िया ले लीजिए आप लोग। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को इसे मारना है और कोई देख ना पाए आपको, ऐसी जगह ले जाकर इसे मारना। तो कहते हैं कि वो बच्चा बता रहा था कि दो बच्चों ने कह दिया कि मैं ऐसा करके ऐसी कहानी बढ़ के पूरा बता दिया। और बोले मुझसे मैडम ने पूछा कि तुम क्या करोगे, तो बोला मैंने बोला मैडम से कि मैं नहीं मारूंगा उसे। मैडम ने अगर उसका पूछा जो भी हाल, तो उसने कहा कि कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, लेकिन भगवान तो देख रहा होगा, और मुझे नहीं ऐसी जगह मिली कहीं कि जहां कोई ना देख रहा हो मैं इस काम को कर सकूं। तो मुझे लगा कि देखिए उनमें मतलब समझदारी है, और हम जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं हमारी समझदारी खत्म होती जाती है। अभी हाल ही में, आज ही कल की बात है, मैं यहाँ सामने एक मंदिर है, कभी कभी आपकी वॉइस भी आती है बैकग्राउंड में, तो मैं वहां जाकर देखा, एक कथा टाइप की हो रही है। आज से लॉकडाउन के पहले भी मैंने वहां जाकर देखा था, कथा हो रही थी उस समय, तो वहां देखा मैंने कि कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, वही जो बूढ़े पुराने आदमी होते हैं ना, वही लोग बैठे हुए हैं, 10 गिन के 10-15 लोग। आप समझिए कि मतलब लोग, एक समय हुआ करता था कि कोई कथा हो रही है, भागवत हो रही है, तो एक गांव पूरा इकट्ठा हो जाता था।
आज के समय में आप देखेंगे तो मतलब शहरों में इतना मतलब बुरी तरह से प्रभावित है कि हम मोबाइल में लगे हुए हैं, एक दो घंटे के लिए हम लोग कथा नहीं सुन सकते हैं। आप सोचिए, अगर कथा नहीं सुनेंगे हम लोग अपने बच्चों को मोबाइल में लगाए हुए हैं, तो उन्हें संस्कार कहाँ से मिलेंगे? उन्हें मतलब अच्छे बुरे का फर्क कहाँ से पड़ेगा? उस कथा में मैंने भी सुना है, एक दो बार मैंने ध्यान देकर सुना है, उसमें ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो किसी भी धर्म को नुकसान ना पहुंचाने की है, एक अच्छा इंसान बनाने की है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जाते। तो मुझे लगता है खुद हम लोग कहाँ किस रास्ते जा रहे हैं, ये शायद मुझे नहीं लगता है कि आगे हमारी संस्कृति जिंदा रह पाएगी। कि हम मोबाइल में 4 से 5 घंटे लगा दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को देख रहे हैं सामने की मोबाइल में लगे हुए हैं, चला रहे हैं मोबाइल, तो कम से कम कथा सुनना कोई गलत बात नहीं, मुझे नहीं लगता है। चलिए खैर छोड़िए इन बातों को, जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं हो रहा है, बल्कि यह नए परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित कर रही है। और याद रखिए, हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, यानी कि हम किसी भी धर्म की बात नहीं करेंगे, यानी कि हम किसी भी धर्म को सहायता नहीं करेंगे संविधान की तरफ से, किसी भी धर्म को एक बारे में अगर दो समूहों में यानी कि दो धर्म में विवाद चल रहा है तो संविधान या न्यायपालिका किसी एक का पक्ष नहीं लेगी, ठीक है? उनके लिए दोनों धर्म बराबर हैं। जाति आधारित प्रतिबंध अब समाप्त हो चुके हैं, सभी जातियां लामबंद होकर दबाव समूह का कार्य कर रही हैं। इससे तो फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम भी उत्तरदायी है। आज व्यक्ति की आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय जाति पर आधारित नहीं है, परंतु सामाजिक न्याय अभी भी बाधित है। अंतर जातीय संघर्ष बढ़ रहे हैं, परंतु यह सांस्कृतिक स्थिति प्राप्त करने की अपेक्षा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की है। जातिवाद निश्चित ही बढ़ा है। भारत में जातियों का राजनीतिकरण हुआ है और अब जातियों का प्रयोग वोट और सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और याद रखिए, इससे ज्यादा आपका कोई महत्व नहीं है, आप किसी भी जाति के बने हो, आपका वोट जाने के बाद आप एक तुच्छ व्यक्ति हैं नेताओं के लिए, आपके वोट की कोई कीमत नहीं है, बस आप वोट दीजिए, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आपने लॉकडाउन के समय देखा है कि मैंने कहा है कि हमेशा अपने आस पड़ोस जो भी जिस भी धर्म के हो सबसे बनाकर चलिए, क्योंकि कोई भी आपका नेता, कोई भी विधायक मंत्री आपके गेट पर आकर किसी ने मदद नहीं की आपकी, अगर प्रॉब्लम में आप रहे हैं तो पड़ोसी ही ने आपका साथ दिया है, देखा होगा आपने। तो अभी भी समझने का मुझे लगता है कि है। और याद रखिए, आज से हो सकता है कि हमारी पीढ़ी खत्म हो जाए, उसके बाद हमारी जो भी नई पीढ़ी आएगी 2-4 पीढ़ियों के बाद, क्रांति तो होगी, आंदोलन तो होंगे, एक बार फिर से वही आप देखिए कि गांधी वाला समय आएगा, आंदोलन होंगे इसी तरह के, मतलब बड़े सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आप सोचिए किसी ने बलिदानी दी हुई है, वो भी अगर सोच लेते कि मुझे क्या लेना देना, तो आज भी हम गुलाम होते। तो इससे जाति व्यवस्था से ऊपर उठ के काम करिए, ऊपर देखिए दुनिया कहाँ जा रही है और हम जाके पीछे जा रहे हैं वही जाति प्रथा में। भारत जैसे पिछड़े समाज में जातियों ने दबाव समूह की भूमिका का निर्वाह किया है। यह कहना तार्किक नहीं है कि जातियां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि वास्तविक मुद्दा यह है कि भविष्य में जातियों की भूमिका किस प्रकार होगी। जातियों की संरचना पूर्णतः समाप्त नहीं होती, बल्कि उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। कुछ जातियों का पंथ निरपेक्षीकरण और लौकिकीकरण हुआ है, परंतु जातियों के इस संरचना में अभी भी संविधान द्वारा वर्णित सामाजिक न्याय, समानता, बंधुत्व के आयाम वर्तमान स्थिति में बहुत दूर दिख रहे हैं। जाति का नकारात्मक अगर हम पक्ष देखें तो जाति आधारित समाज स्थिर और गतिहीन माने जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति का स्थान समाज में जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जाति विभाजित समाज और विषमता मूलक और समुदाय प्रधान है, जबकि भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति की समान गरिमा तथा समानता एवं बंधुत्व को केंद्रीय महत्व प्रदान किया है। इसलिए सिद्धांतिक रूप से यह प्रतीत होता है कि जाति और संविधान के आदर्श एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। विचारकों की अगर बात माने तो जातियों के आधार पर वोट मांगना संवैधानिक मूल्यों के प्रतिकूल है। भारत में जाति के आधार पर जाति सेनाओं जैसे आप भीम सेना सुनते रहते हैं, करणी सेना, परशुराम सेना इत्यादि का निर्माण हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसक जातीय संघर्ष हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मत बनाइए, आप सभी सेनाएं बनाइए, आप किसी भी जाति के,
लेकिन उसमें आप अच्छे काम के लिए तो कर सकते हैं उसका प्रयोग, मारकाट को छोड़कर आप लोग अपने जो भी निचला तबका है, जैसे आप सोचिए कि अगर कोई दलित संगठन है तो वो अपने दलितों को देखे ना, कोई ब्राह्मण संगठन है तो वो जो ब्राह्मणों की स्थिति खराब है, जो निचले तबके के ब्राह्मण है जिनकी स्थिति बच्चे पढ़ने लिखने के लायक नहीं है, स्थिति उनकी पढ़ाने लिखाने इलाज करवाने के लायक नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, उन लोगों के बारे में सोचे ना, तो मुझे लगता है कि हमारा देश भी तरक्की करेगा और इन संगठनों की महत्व भी बना रहेगा। ठीक है, यह भारतीय समाज तथा राज व्यवस्था में द्वंद्व उत्पन्न कर जातिवादी राजनीति संप्रदायवाद जैसे समस्याओं का कारण बनती है। भारतीय समाज और एक आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के मध्य अंतःक्रिया का द्योतक है। जाति व्यवस्था का अगर हम लोग सकारात्मक पक्ष की बात करें तो भारतीय समाज की मूल संरचना जाति आधारित है। भारतीय संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के कारण कारण जातियों का सामाजिक एवं सोपानिक ढांचा टूटा, परंतु जातियां लामबंद होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दबाव समूह का काम कर रही हैं। जातीय समूह के द्वारा बहुमत के शासन को व्यवहारिक बनाया गया है, क्योंकि भारत में पहले राजनीतिक सत्ता तो सत्ता जो एक निश्चित वर्ग के पास थी अब वितरित हो गई, यानी कि उसका बंटवारा हो गया है। और याद रखिए, आप किसी भी धर्म के हिस्से को क्या फर्क पड़ता है, आप सही बोलने की हिम्मत रखिए, कहीं गलत हो रहा है तो उससे बोलने की वहां उसका विरोध करने की बात कीजिए। इससे क्या होगा कि आप हो सकता है कि देखिए विरोध ना करें, आंख बंद करके रहें, हो सकता है 200 साल तक आप जीते रहें, लेकिन इस जीने का कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। कम से कम थोड़ा बहुत तो इंसानियत रखने चाहिए मानवता। इस समय आप सोचिए कि हम अपने अपने के लिए जी रहे हैं, बस किस लिए जी रहे हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लास्ट में कह सकते हैं कि भारत में संविधान तथा सरकारों द्वारा लगातार जाति प्रथा उन्मूलन का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत मूल अधिकारों में विभिन्न प्रावधान सभी को राजनीतिक न्याय इत्यादि प्रदान किए गए हैं, परंतु कहीं ना कहीं बहुमत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के फलस्वरूप उत्पन्न स्थितियों में जाति व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया है। भारत में जातियों का राजनीतिकरण किया गया है। आप सोचिए कि एक समय हमारे जब आंदोलन चल रहे थे देश में, अंग्रेजों के अधीन थे हम लोग, गुलाम थे, तभी इस तरह के कई संगठन हुआ करते थे। अब जातियों में भी अलग अलग तरह के संगठन थे, लेकिन एक समझिए कि उनके दिमाग में एक शब्द, मतलब आप सब कह सकते हैं कि उनके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही थी, देश में मतलब आप सोचिए आजादी दिलाना। तो आज भी हम नेताओं के लिए सिर्फ वोट बैंक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि दलित नेता हैं आप लोग तो वो नेता बन गए हैं, लेकिन दलितों के बारे में उन्हें लेना देना कुछ नहीं, अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। और दलितों के बारे में, दलितों के किसके नाम पर नेता बने, दलितों के नाम पर, और हम लोग उन्हें वोट दे रहे हैं, और हमारे बच्चे आज भी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों की भी हालत खराब है, उन्हें भी नहीं सुधार पाए हैं वो लोग। तो ये नेता हैं, याद रखिए, अपने मुझे लगता है कि अपने बाप के नहीं होंगे टाइम आने पर, हमारे तुम्हारे क्या होंगे, तो थोड़ा बहुत तो हमें सोचना होगा वरना हम इसी हाल में रहेंगे। कोरोना महामारी में आपने देखा है लॉकडाउन में सब उजागर भी हो गया है कि कौन कितने पानी में है। किसी नेता को, आपने विधायक को या मंत्री को या किसी भी नेता को ले लीजिए आप लोग, किसी भी पार्टी के, कोई रोड पर नहीं दिखा है, कोई गरीब को मदद करते हुए नहीं दिखा है। और अगर आपको लगता है कि आप धर्म के नाम पर वोट, राजनीति, जो भी आप काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो एक बार स्थिति अपने दिमाग में उस तस्वीर को जरूर लाइएगा, जब रोड पर आपने देखा होगा कि एक महिला बच्चे को जन्म दे रही है, उसके बाद उठकर फिर चलने लगती है। आपने देखा होगा कि एक दिल्ली से एक भाई बहन चलते हैं और वो आप सोचिए बिहार तक जाने की बात है, तो आपने सुना भी होगा कि उन्हें कोई पानी नहीं पिलाता है। एक आजमगढ़ की घटना है लॉकडाउन के टाइम भी, कि एक मतलब एक बाप बेटा कोई चला, उन्हें भी पानी की कोई किसी ने व्यवस्था नहीं की। एक बेटी मतलब आप सोचिए 15 साल की, 12-15 साल की बेटी अपने बाप को पीछे बैठा कर साइकिल से बिहार पहुंच जाती है दिल्ली से, उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है। जब वो घर पहुंच जाती है तब विधायक मंत्री साहब पहुंचते हैं। तो कभी अपने आप में सोचिए इनसे कि अगर हमारे भगवान श्री राम भी होते या किसी भी धर्म के होते, कोई भी होता, उनके भगवान होते, क्या इस स्थिति को देख के कभी मतलब मजाक उड़ाते उनका? ठीक है, अगर आपके सामने किसी
के साथ गलत हो रहा है, किसी से कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, आप सुन के निकल सकते हैं। शायद हो सकता है आपका धर्म का है वो अत्याचार करने वाला, आप ताली बजा दीजिए, क्या उखाड़ लेंगे? मुझे नहीं लगता है कि आप उखाड़ पाएंगे। ठीक है, आज हो सकता है कि आप 200 से, मैं तो कहता हूं 500 साल जी जाएं, तो क्या उखाड़ लेंगे? 135 करोड़ के करीब आपकी जनसंख्या होने जा रही है, किसको इतिहास याद रखेगा? आज हम गांधी जी के नाम पर थूकते हैं कि वो ऐसा, उन्होंने गलत किया है, उन्होंने ऐसा किया है, कई जो अंधभक्त टाइप के होते हैं वो उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। इतना याद रखिए कि आने वाली हमारी पीढ़ी इनसे बुरी तरह से हमें धिक्कारेगी, कि एक समय ऐसा था कि पूरा गरीब पिस रहा था और लॉकडाउन में पूरी तरह से चरमरा गई हुई थी स्थिति, और हम लोग देखकर तमाशा देख रहे थे, कोई रामायण देख रहा था, कोई भगवान श्री राम को गा रहा था। अरे कम से कम जिसे आप मानते हो, कम से कम उसके बारे में तो सोचा करिए, उस पर क्या बीत रही होगी। आप उसका अगर नाम भी लेते होगा तो उसे बड़ा अपने आप में बुरा लगता होगा। खैर छोड़िए, अपने लगे रहिए, अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, आपको खुशी मिलती है तो करना चाहिए आपको, मैं रोकूंगा नहीं किसी को। ठीक है, तो आपको मैं अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको इस पिता में इस तरह की जाति वादी सोचों में नहीं बीतना है। आपको एक, आपको लिखना है एक सटीक आंसर लिखना है, और इंटरव्यू में भी जाते हैं आप लोग तो एक सटीक आंसर देना है आपको, और सभी का बराबर हक, मतलब आप समझिए कि आपको ना तो किसी धर्म के बारे में अगर आपसे पूछता है तो उसके ना तो आपको पॉजिटिव पॉइंट बताना है एकाएक, और ना ही आपको नेगेटिव, एक पूरा बैलेंस बनाकर आपको दोनों तरह की उसमें जो भी अच्छाई है बुराई उसका एक बैलेंस बनाकर आपको आंसर लिखना है या आपको बताना है। ठीक है, यही एक पढ़े लिखे का, मतलब आप सोचिए कि पढ़े लिखे का एक यही कर्तव्य रहता है, यही उसकी पहचान रहती है, कि अगर आपके बारे में भी कोई पूछे तो आप अपने बारे में बुराई बताइए, अच्छाई बताइए, लेकिन अधिकतर अभी लोगों में पूछा जाए तो उन्हें अपनी अच्छाई तो दिखती है, लेकिन बुराई अपने आप में क्या है, बुराई उसके बारे में हम कभी नहीं जानते हैं, हम बताना ही नहीं चाहते क्योंकि हम अपने आप से मिलते ही नहीं है, हम सामने वाले को इतना बुरा, मतलब उसमें बुराइयां दिखती हैं, अपने आप में बुराइयां नहीं दिखती। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं थोड़ा लेट उठा सोकर, और मैंने कूड़ा जो था कचड़ा रूम का, तो मैंने देखा कि वो टैक्सी आती है निकल गई, तो मैंने जाकर एक पॉलीथिन में भर के बाहर रख दिया कि मुझे लगा कि उठा के ले जाए। वही आया टैक्सी वाला, बोला भैया तुम पढ़े लिखे लगते हो और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मुझे खुद शर्म लगी अपने आप में, मैंने उससे माफी मांगी, मैंने बोला ठीक है भाई अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। तो इसमें उसने गलत क्या किया? मुझे नहीं लगता है कि शायद उसने जो भी बोला मुझसे कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो मुझे तो अच्छा लगा कि उसने सही है, रोक दिया मुझे, कम से कम सीख मिली मुझे अपने आप में, समझ रहे हैं? तो इस तरह की हमें सोच लेना चाहिए कि शायद हम उस जगह पर होते तो हम भी यही कहते। उसने तो एक हाथ जोड़ के मतलब बड़े विनम्र तरीके से कहा, शायद हम उसे और बुरा भला कह देते। तो एक तरह से आपको सामने वाले की जगह आप रख के देखिए, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी जब लॉकडाउन लगा हुआ था इस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही थी, तो कई लोग ऐसी कूलर की हवा में बैठकर कई तरह के सोशल मीडिया पर आप सोचिए कि पोस्ट डाल रहे थे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मर रहे हैं, गरीब हैं, तो अपने कर्मों की वजह से। ठीक है, उनकी स्थिति जो भी है वो अपने कर्मों से गरीब है या तुम्हारे कर्मों से या किसी और के, ये मायना नहीं रखता है कभी भी, क्या रखता है? इंसानियत थी या खत्म हो गई थी। हम नेताओं को चुन रहे हैं इसमें कोई दोहरा नहीं, आप अपनी जाति का नेता चुनिए, एक नाम आपने सोनू सूद सुनना होगा, उसने क्या गलत किया? मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि 403 के करीब आपके विधायक हैं, 31 आपके करीब राज्यसभा सदस्य हैं, 80 के करीब आपके लोकसभा सदस्य हैं, और इतने ही आपके 100 के करीब, 100+ आपके विधान परिषद सदस्य होंगे, अगर ये सभी मिलकर काम करते तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्यास से मरता या कोई भूख से मरता, किसी को 1% भी दिक्कत होती या प्रॉब्लम होती। एक बंदा अगर, एक समझिए आप लोग कि 15 से 20 लाख लोगों को संभाल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई नेता नहीं है, वो तो आप तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नेता है घर में बैठे हुए थे। मैं अभी की नहीं कह सकता हूं, अभी तो आप लोग पैसा है, सब कुछ है, पावर है, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि अगर भगवान के यहाँ न्याय होता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आप लोगों को न्याय मिलेगा वहां, क्योंकि वो कभी नहीं आपका साथ देगा। आप नीचे उनके नाम पर कितनी भी राजनीति करते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो
सच क्या है उसी का साथ देगा, क्योंकि अगर वो भी राम दशरथ के घर में उन्होंने नाम जन्म लिया, अगर वो वहीं रह जाते अयोध्या में, तो मुझे लगता है कि राम हम जैसे ही आप जैसे ही कि हम उनके बेटा है उनके बेटा है इसी तरह रह जाते, वो अपने कर्मों से पुरुषोत्तम श्री राम बने। और आज हम लोग टीवी में देखते हैं कि वो वहां सीता से हरण हो गया है, कभी उनकी जगह अपने आप को देखिए कि एक लड़के के मतलब एक छोटी ही उम्र, ज्यादा उम्र नहीं है, शादी होती है एक कन्या से, उसके बाद तुरंत ही हाल ही में आप देखते हैं कि वनवास चले जाते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि वहां से उनकी पत्नी का हरण हो जाता है। आप सोचिए कि मतलब फिर उनके ऊपर क्या विपत्ति आई होगी। उस समय टेलीफोन तो था नहीं कि खोज के लिए कोई इस तरह की सोशल मीडिया हो कि उन्हें मालूम चल जाए कि श्रीलंका में उनकी पत्नी है, नहीं ना। वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं, ढूंढते ढूंढते पूरा दक्षिण भारत जाके आप समझिए कि श्रीलंका पहुंचते हैं, तमिल सेना बनाते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि घर आती है पत्नी दोबारा, मतलब आप सोचिए उन्हें वनवास कर दिया जाता है, पत्नी को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद आप समझिए कि अपने ही बेटे को मारना कितनी बड़ी बात हो जाती है। आपने सुना होगा कि जब राम के और राम के बेटों के बीच युद्ध होता है, वो तो ठीक है नहीं हुआ जो परिणाम ठीक रहा, लेकिन आप उस स्थिति को अपने आप को समझिए उनकी जगह, तब जाके वो पुरुषोत्तम श्री राम बने और जाकर हम लोग आज पूजा पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी को आप देख लीजिए, एक मतलब बानर से यानी पशु से आप सोचिए भगवान बन जाकर बैठ गए, मतलब एक श्रेणी आप सुनते रहते हैं इतिहास में, आप लोगों ने सुना होगा कि बंदर से फिर मानव बना, आप समझिए कि बंदर से डायरेक्ट वो भगवान बन गए और हम मानव से भगवान नहीं बन पाए, यानी कि वो एक सीढ़ी पार करके पहुंच चुके हैं लेकिन हम एक सीढ़ी पर ही नहीं पहुंच पाए, ये हमारे लिए शर्म से इससे बुरी बात कुछ हो ही नहीं सकती। खैर छोड़िए इससे, अब कोई धर्म की बातें ना मानने वाला है ना ही मानेगा, बस अपने कर्म करिए। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में का शब्द ना रहे, हो सकता है कि आज हम एक लेक्चर ले रहा हूँ, हो सकता है 5-10 मिनट बाद में चला जाऊं, तो कम से कम हमारे दिमाग में ये शब्द तो नहीं होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ठीक है, मुझे मौत अगर इसी वक्त आ जाए तो मुझे मंजूर है, क्या कर सकता हूँ, जो भी अपनी जिंदगी जितनी जी है, एक वफादारी की, एक मतलब इंसानियत की, एक मानवता की जिंदगी तो जी है, कम से कम किसी के साथ कोई गलत तो नहीं किया, किसी को नीचा तो नहीं दिखाया। ठीक है, अपना 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 जीवन है, जैसा आप चाहें कर सकते हैं, बस अगर आप गलत का साथ दे रहे हैं या फिर आप झूठ बोल रहे हैं और आपको लगता है कि आप किसी से छुपा लेते हैं तो ये आपकी बेवकूफी है, तो आप भगवान को मत मानिए मैं कहता हूं, क्योंकि अगर आप मान रहे हैं और फिर भी आप गलत काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ना मानने वाले से ज्यादा आपको सजा मिलेगी। ठीक है, खैर छोड़िए, ठीक है आपको, लेकिन आप अगर सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप काफी पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने अच्छे से रास्ते चुनिए, काम करते रहिए। ठीक है,